आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट और एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पेश होगा और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राज्यसभा में किस तरह से वो इस बिल को पास करवा सकेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में यह बिल 245 वोटों के साथ पास हो गया था, भारी बहुमत के साथ पास हुआ था क्योंकि सरकार के पास बहुमत था। लेकिन बड़ा सवाल राज्यसभा को लेकर है जहाँ की सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है जबकि विपक्ष बहुमत में है। अगर ऐसे ही किसानों की कर्ज माफी होती रही तो आने वाले समय में बैंकों से किसानों को कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इशारों ही इशारों में तमाम उन राजनीतिक दलों को ये आगाह किया है जो कि अपने चुनावी घोषणा पत्र और अपनी नीतियों में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करती है। RBI ने कहा है कि अगर इसी तरह से किसानों की कर्ज माफी होती रही तो आने वाले समय में तमाम बैंक किसानों को कर्ज देने में कंजूसी बरत सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की है। इसके पहले कर्नाटक में भी किसानों की कर्ज माफी की गई है और किसानों की कर्ज माफी को ही चुनावी घोषणा पत्र में तरजीह दी गई है। अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर डील मामले में मिसेस गांधी का नाम आने पर पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार, ED और मीडिया का बस चले तो अब फैसले टेलीविजन पर होने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नई प्रणाली, बेहतर प्रणाली अब कंगारू कोर्ट से भी आगे निकल गई है। कंगारू कोर्ट में कमरों में सुनवाई होती है लेकिन अब फैसले और सुनवाई टेलीविजन पर होने लगी है। 1984 के सिख विरोधी दंगे में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार आज तिहाड़ जेल में सरेंडर कर सकते हैं। उन्हें तिहाड़ की बैरक में कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगे के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अभी तक की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए hindi.firstpost.com।